अल्लाह ताला की नज़र दे विच और पूरी दुनिया दे विच जिन्हां नूं असीं कह सकने आ कि सब तो जलील ने पहला वो कि जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कूटनी दियां टंगां नूं कटिया सी और दूसरा वो जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम नूं शहीद किया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने आप की शहादत नूं कुराने पाक के जिक्र फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने आप की शहादत नूं बयान फरमाया और साथ ये भी फरमाया कि तुहाडे सर ते वार किया जाएगा जिस दे नाल तुहाडा सर मुबारक जख्मी हो जाएगा और उस दे नाल तुसीं शहीद होवोगे और फरमाया कि तुहाडे खून दे नाल तुहाडी दाढ़ी मुबारक रंगीन हो जाएगी। आपको पता सी तो अगर आपको पता सी फिर आपने दुआ क्यों ना की कि अल्लाह ताला आपको शहादत को बचा लवे। इस वास्ते कि जो शहादत है वो रहमत है, शहादत है वो मोमिन के वास्ते बायस फख्र है, मोमिन के वास्ते ऐब नहीं है, नक्स नहीं है, कभी नहीं है, कोताही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की अता है और मोमिन के वास्ते बायस रहमत है क्योंकि मोमिन के वास्ते ईमान वालों के वास्ते सब तो बड़ा जो मकाम है वो शहादत का मकाम है कि अल्लाह ताला के रस्ते दे विच अपनी जान का नजराना पेश करके अपने मालिक हकीकी की बारगाह में हाजिर हो जाना। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते सन कि ऐ अली मैं जो अपने वास्ते अल्लाह ताला के कोलों मंगना वो ही मैं तेरे वास्ते मंगना, कि जो मैं अपने वास्ते दुआ करना हाँ वो दुआ ही मैं तुहाडे वास्ते करना वा। और आका ने सलाम खुद शहादत की मौत बड़ी महबूब सी, आका ने सलाम बजाते खुद शहादत की मौत बड़ी महबूब सी। आप दुआ फरमाते सन कि अल्लाह ताला मैनु शहादत की मौत अता फरमाए, लेकिन आपनू शहादत की मौत इस वास्ते खालके कायनात ने अता ना फरमाई कि अल्लाह ताला ने ये ना चाहिया कि मेरे महबूब नू कोई काफिर, कोई फासिक, कोई फाजिर, कोई मुनाफिक, कोई मुशरक मेरे महबूब नू शहीद करे और अल्लाह ताला नू ये महबूब ना होया, अल्लाह ताला दे कोलों ये देखा ना गया। इस वास्ते खालके कायनात ने अपने महबूब नू शहादत नहीं अता फरमाई कि अगर अल्लाह ताला दे नबी नू आका अलैहि सलातु सलाम कोई शहीद कर देता फिर सवालिया निशान हो जाना सी कि अल्लाह ताला दा नबी और फिर उस काफर ने शहीद कर दिता। इस वास्ते खालके कायनात ने अपने महबूब अलैहि सलाम नू शहादत तो महफूज फरमाया और कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे विच भी खालके कायनात ने फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब मैं तेरी हिफाजत करांगा। आका अलैहिस्सलातु सलाम की हिफाजत अल्लाह ताला दे जिम्मा करम दे सी और अगर फिर भी कोई आका अलैहिस्सलातु सलाम को जख्मी कर देता, आका अलैहिस्सलातु सलाम ते कोई हमला आवर हो जाता और अपने हमले में कामयाब होता तो फिर खालके कायनात ने जो हिफाजत का जिम्मा लिया सी फिर वो हिफाजत वाला जो जिम्मा है वो पूरा नहीं होना सी। इस वास्ते खालके कायनात ने अपने महबूब नू शहादत तो महफूज फरमा लिया, मौला अली नू भी शहादत अता फरमा दी, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप नू भी शहादत अता फरमा दी, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप नू भी शहादत अता फरमा दी और हसनैन करीमैन नू भी शहादत का मकाम अता फरमा दिता क्योंकि बहुत बड़ा मकाम सी जेड़ा कि खलके कायनात ने अपने महबूब बंदियां नू अता फरमा दिता। खलके कायनात ने इस वास्ते ही फिर अल्लाह ताला दे महबूब ने कदे भी ना हसनैन करीमैन दे वास्ते, ना मौला अली दे वास्ते, ना अपने यारां दे वास्ते कदे आपने दुआ नहीं फरमाई कि अल्लाह इन्हां नू शहादत दे कोल महफूज रखी, बल्कि वो तो हर वक्त दुआ करते सन कि ऐ अल्लाह अगर तू सानू मौत अता करे तो शहादत की मौत अता करे, कि शहादत की मौत मोमिन दे वास्ते सब तो बड़ा मकाम है, बायसे फख्र है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। खालके कायनात ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद में इरशाद फरमाया, फरमाया मिनल मुमिनीन रिजालन सदकू माहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कदा नहबहु वमिनहुम मन यर्तदिर वमा तबदीला। फरमाया मोमिन
बारगाह में पेश कर दिता है। और कुछ ऐसे ने जेड़े इस इंतजार च ने, इस इंतजार विच ने कि कदों वो वक्त आवे और असी अपनी जान का नजराना पेश कर दईए। सैयदना अली अल मुर्तजा करमुल्ला वजहुल करीम आप दे कोल पुछया गया, या अली ओ केड़े लोग ने जिन्हां ने अपनियां जानां दे नजराने पेश करके अपने मालिक हकीकी दे नाल कीता आ वादा पूरा कर दिता है। आप ने फरमाया उन्हां लोगां दे विच हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अनहो, हजरत उबैदा रदी अल्लाह तआला अनहो शामिल ने। और ओ इंसान जेड़ा इस इंतजार च है कदों वक्त आवे, कदों तबीयत बहुत नासाज कहते ने कि या अली सानू इस तरह लगता है कि थोड़ा वक्त अखीर आ गया है। आपने फरमाया कि ऐसी कोई बीमारी बनी नहीं जिहड़ी मैनू मौत दे दे, क्योंकि मेरे नबी ने मैनू फरमाया है कि मैनू शहादत की मौत आनी है और मैनू खलीफा बनन तो बाद आनी है कि पहले मैं खलीफा बनागा फिर मैनू शहादत की मौत आएगी। इस वास्ते फरमाया कि मैं जितना भी बीमार हो जावा ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी कि जिहड़ी अली की मौत का सबब बन जाए, क्योंकि मैनू शहादत आनी है और खिलाफत तो बाद आनी है और मस्जिद में आनी है और मुनाफिक के हत्थों आनी है। इस वास्ते जिस वक्त आप खलीफा बने ने और कूफा दे विच आपने कयाम फरमाया, फिर कूफा दे विच आपने अपना दार हकूमत बनाया, उत्ते आप तशरीफ फरमा ने। एक दफ़ा जेड़ा मौला अली का कातिल है इसका नाम से अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम, देख लो कि नाम कैसा है और कम कैसे ने, अपने आप मुसलमान कहाँ दे सर और नाम भी अब्दुल रहमान, और फिर आपकी शहादत की वजह क्या बनी है। शहादत की वजह यह बनी है कि लोगों ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन तीन लोगों के बारे कुछ लोगों ने कहा कि ये मुशरक हो गए ने, इन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिता है। मौला अली दे बारे, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे इन्होंने बैठ के आपस मशवरा किया कि जिहड़े दिन इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिता है मुशरक हो गए हैं, यानी कि यह जो निकी निकी गल तू कह देना कि शिरक है शिरक है शिरक है मुशरक है, इस गल को गौर करा जाए कि एक केड़े लोग ने कि जेडे मुसलमाना ते शिरक दे फतवे लाते हैं, ये वही ने जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को शिरक का फतवा लगाया है। इन्होंने कहा कि यह शिरक हो गए मुशरक हो गए ने, लिहाजा इन्हों का काम तमाम करना चाहिए, इन्हों तिना बंदियों का जोड़ा काम है वह तमाम करना चाहिए। फिर माहे रमदान मुबारक आ गया, इन्हों की एक बड़ी औरत मस्जिद में इतकाब बैठ गई, जिस वक्त तो मस्जिद में इतकाब बैठी ये तीन बंदे आपस जिन्हें मशवरा किया कि आप एक एक बंदा एक तरीक न एक ही टाइम से आप तिना दे वार करना है, यानी कि एक ही दिन एक ही टाइम से तिना बंद तीन बंदे सन, तिना ने कहा कि आप अलहदा अलहदा अपने अपने टाइम इको बना लिया कि आप फजर की नमाज के टाइम आपने जाना है 19 रमदान मुबारक न फजर की नमाज टाइम आप इकट्ठा तिना दे वार करना है और तिना का काम तमाम कर देना। इन्होंने बैठ के सलाह कर ली, मशरा करने के वास्ते उस औरत के कोल आए जी कि इन्होंने बड़ी सी बैठी मस्जिद में इतकाफ, और उन्होंने आके दसिया कि असी ये सोचा है कि यह जे तीन बंदे ने ना असी इन्हों शहीद कर दईए, तो उसने आख्या कि यह बड़ा चंगा काम है, ये तो तुम्हें करना चाहिए और इन मुसलमानों की बड़ी भलाई है। इन्होंने तैयारी कर ली और जरा अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम है
इसने अपनी तलवार को एक महीना पूरा महीना रोजाना जहर आलूद किया है, यानी कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पूरा महीना इसने रोजाना अपनी तलवार को जहर आलूद किया है। और इसने कहा कि मेरी तलवार दे विच इतना जहर हो चुका है कि अगर मेरी तलवार की नोक किसी को लग जाए तो बच नहीं सकता, कि इन्ना जहर इस तलवार दे विच शामिल हो चुका है। और यही बंदा एक दफा सैयदना अली अल मुर्तज़ा करामुल्लाह वजहहुल करीम आप नूं मिलिया, आप दे कोल गुजरिया, तो आपने अपने खादम को फरमाया कि ए जिहड़ा बंदा है ना, इसने मैनू शहीद करना है, कि ए जिहड़ा बंदा है इसने मेरे ते वार करना है और इसने मैनू शहीद करना है। थोड़ा जिहा अगे गए तो गुलाम ने अर्ज़ की कि हजूर अगर तुसी ये इजाजत दो तो मैं इसका काम तमाम कर देवां। आपने फरमाया भी अगर इनू तू मार देवेगा तो मैनू शहीद कौन करेगा, यानी कि आपकी जो शहादत है ये आप तो लुकी छुपी नहीं सी, लेकिन इसमें कहते हैं रजा ते राजी रहना, मालक दी रजा ते राजी रहना और तकदीर दे विच जो है उसनु बदलन की कोशिश ना करना। जो मौला अली दी शान है कोई आम तो नहीं है, जो आका अलैहि सलातु सलाम ने दुनिया और आखिरत के भाई ने, आका अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया कि अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरी औलाद मेरी औलाद है, और फरमाया मैं इलम का शहर हाँ, अली उसका दरवाजा है। उन्होंने कोलों चीज़ा लुपिया छुपिया नहीं सन, फरमाया ऐ मेरे गुलाम अगर तू इस मार देवेगा तो मैनू शहीद किसने करना है। इस वास्ते आपने फरमाया कि मालक की रजा है और इसे चलना पवेगा, इस बर्दाश्त करना पवेगा और ये शहादत मेरे मुकद्दर में है और ये मेरे वास्ते बायसे रहमत है, बायसे फख्र है और मैं अपनी शहादत को सीने नाल लगावांगा। माहे रमदान मुबारक जिस वक्त आया है तो आपने जितनी आपकी औलाद है, कदे आप किसी के घर रोज़ा इफ्तार फरमा देने, कदे आप किसी के घर रोज़ा इफ्तार फरमा देने, यानी कि बदल बदल के बेटे बेटियाँ सब को आपने शरफ अता फरमाया है कि कोई महरूम ना रह जाए और सब को अलहदा आपने वक्त अदा किया है कि एक दिन एक बेटे को, दूसरे दिन दूसरे बेटे को, तीसरे दिन तीसरे बेटे को, चौथे दिन बेटी को, पाँचवें दिन फिर दूसरी बेटी को, सब दे को आपने अपना वक्त गुजारा है, रोज़ा इफ्तार फरमाया और एक एक दिन आपने क़याम फरमाया। और आप इरशाद फरमा दे सन कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त मेरी यह जी दाढ़ी मुबारक है ये मेरे खून के नाल रंगीन हो जाएगी। बिलाखिर फिर वो दिन वो डेट आई, उन्हें तिना बंद ने जिन्होंने इरादा किया तिना बंद मारन का, उन्होंने अपना अपना काम किया है, लेकिन जेडे दो ने वो नाकाम हो गए हैं, एक बिल्कुल नाकाम होया है और जिसने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद करना से उसने वार किया है, लेकिन उसका वार उसने ज़्यादा असर नहीं किया, लेकिन जख्मी किया है और उसने पकड़ दिया गया। और जेड़ा तीसरा बंदा है कि जिसने सैयदना अली अल मुर्तज़ा करामुल्लाह वजहहुल करीम से वार करना सी, वो अपने मकसद कामयाब हो गया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा करामुल्लाह वजहहुल करीम आप अपने घर के रोज़ा रख के आप बाहर निकले ने, और आपका रोज़ाना का ये मामूल सी कि जिस वक्त आप निकलते सन अपने घर के बाज़ार के आते असलात 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 आप बुलंद आवाज फरमा दिया कि निमाज़ का टाइम हो गया उठो निमाज़ पढ़ो, निमाज़ का वक्त हो गया उठो निमाज़ पढ़ो। आपके नाल आपका मुअज़्ज़िन है, तीन लोग ने जिहड़े कि चले ने, आगे आपका मुअज़्ज़िन है, पीछे आपने और आपके पीछे हजरत इमाम हसन ने आपके साहबजादे आप आए ने। जिस वक्त रस्ते दे विच आए ने तो रस्ते दे विच पतखा ने आपका रस्ता रोकया है, काफ़ी उन्होंने शोर किया है और हजरत इमाम हसन आपने जिस वक्त वेखिया कि नहीं सैड तो रही है तो आपने गुस्से के नाल मार के डाना चाहिया तो आपने फरमाया कि नहीं इन्हों कह दौ एक कोई मेरे नाल गुफ्तगू कर रही ने इन्हों कर लैन दौ, सिर्फ पतखा ये कह रही सन कि तुम अज मस्जिद ना जाओ, यानी कि मौला अली के दर ते रहन वाले जानवरों को भी इन्ना इलम सी।
कि वह कह दिया सन अपनी जुबान दे विच कि तुसी आज ना जाओ, रस्ता रोक दिया सन। उन्होंने पता सी कि आज अगर जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपने फरमाया कि यही तो साडा मकसद है जिस विच असा जाना है। तो आप आपने मस्जिद तशरीफ ले गए ने, सुन्नत अदा फरमाइया ने, जिस वक्त आपने नमाज शुरू फरमाई है तो उसने नमाज पीछे आपके आप खड़ा सी, उसने तलवार मारी, आपका इमामा शरीफ कटिया गया और आपका सर मुबारक जख्मी हो गया, खून बहा है, आप नीचे गिर गए ने। जिस वक्त आप गिरे ने लोग आपके मुतवज्जे हुए ने, हजरत इमाम हसन मुतवज्जे हुए ने, आपने फरमाया कि तुसी मैंने एक दफ़ा छोड़ दो और नमाज पढ़ाओ, क्योंकि नमाज जारी सी। हजरत इमाम हसन ने मुसल्ला इमामत संभालिया है, आपने नमाज मुकम्मल फरमाई है और नमाज मुकम्मल फरमान तो बाद फिर आपको उठा के घर लाया गया है। आप एक दिन के 19 रमदान मुबारक में आपको ज़रब लगी है और जिस वक्त आपको ज़रब लगी है लोगों ने क्या कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन के सैयदना अली अल मुर्तज़ा करामुल्लाह वजह अल करीम को शहीद कर दिया गया। बुलंद आवाज के नाल एक नारा सब ने सुनिया, शोर होया कि कद कुतिला अमीर अल मोमिनीना। तो जिस वक्त आपने सुनिया तो आपने फरमाया फौस्तो बि रब्बिल काबा, फरमाया कि मैनू रब्बे काबा की कसम है मैं कामयाब हो गया, मैनू रब्बे काबा की कसम है मैं कामयाब हो गया। और आपने घर तशरीफ ले गए ने, अपनी औलाद को अपने चाहन वालों को बहुत ज़्यादा आपने वसीयत फरमाइया ने, वसीयत फरमान तो बाद फिर आपका विसाल हो गया है। विसाल होने तो बाद आपको गुसल दिता गया है, हज़रत इमाम हसन और आप कुछ और लोगों ने आपको गुसल दिता है। गुसल देने तो बाद आपको आपकी नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन ने पढ़ाई है और नमाज जनाजा पढ़ाने तो बाद आपने वसीयत फरमाई सी कि फलां जगह पर तुसा जावोगे, उस जगह से कब्र तैयार है और उस मैं दफन कर देना। आपके बेटिया ने आपके कहते जिस जगह पर आपने फरमाया सी उस जगह पर आपको दफन फरमा दिता है। आपकी कबर भी बिल्कुल असली है, यानी कि जिस जगह पर आपकी कबर मुबारक है उस जगह पर ही आपका जसद मुबारक है। कुछ आपके विसाल के नाल या आपके जनाजे के नाल वाकयात ऐसे बयान किए जाते हैं कि नकाब खुशाया लह गया या उठनी वाला, ये सारे वाकयात की कोई असर नहीं है। सही है वे कि हजरत इमाम हसन ने और लोगों ने आपको गुसल दिता है, कफन दिता है, फिर आपके बेटे ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है और उस बाद फिर आपको दफन किया गया है। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।